हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं काफ़ी दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है वीडियोस बनाने के लिए, पर जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि जो सामने वाला यूज़र है उसको कहीं ना कहीं 2 पैसा मैं बना के दूँ और मुनाफा बनाऊँ, जिससे एक रिस्क डिफाइंड हो जाए और वो सही तरीके से ट्रेड करे हेजिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और यूजुअली गाइस, मैं जब कोई भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करता हूँ ना, तो मैं रिस्क डिफाइन करके रखता हूँ और ये ऑब्जर्व करता हूँ, मोस्टली मैं एंड तक रखता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि हाँ मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तभी मैं निकलता हूँ, नहीं तो मैं इसको रखता हूँ। तो यूजुअली मैं ज़्यादा एग्रेसिव जाता नहीं हूँ। मैंने ऐसा ही करके मैंने काफ़ी पोर्टफोलियोस को सही तरीके से मैनेज किया, जिसमें मैंने डिसेंट रिटर्न बनाया है। काफ़ी लोग आपको गारंटी बोलते हैं कि हाँ इतना इतना मिलेगा, पर मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप सही ट्रेड करोगे, सही तरीके से ट्रेड करोगे, सही मैनेज करोगे अपने पोर्टफोलियो को और रिस्क को डिफाइन रखोगे, तो आपको पैसा बनने का चांसेस है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा गिर सकता है, पैसा बनने का चांसेस है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें आप देखिए मैंने क्या किया है। रिलायंस में अगर आप लास्ट 1-1.5 महीने में ऑब्जर्व करोगे, तो रिलायंस 1900 के लेवल से काफ़ी वॉलेटाइल था। ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। सडनली उसमें थोड़ा न्यूज़ भी आया और थोड़ा बहुत मूवमेंट स्टॉक में दिखा। तो अगर आप कंटिन्यूस उसको ट्रैक करोगे, तो लास्ट 1-1.5 महीने में अच्छा बाउंस बैक दिया है, हमारे करीबन 2200 के लेवल पे अभी कोट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस में हम लोग बेट ले सकते हैं ये महीने के लिए। मतलब एकदम एग्रेसिव नहीं, पर एक सर्टन लेवल पे जहाँ पे आपको एक डिफाइंड पैसा मिल जाए और जहाँ पे कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुकिंग में निकलो। तो गाइज, ये स्ट्रेटजी जो है, ये न्यू स्ट्रेटजी मैंने जून की बनाई है। मोस्टली ये स्ट्रेटजी जो मैं बनाता हूँ ना, ये मैं मिड ऑफ द मंथ बनाता हूँ, उसके पहले मैं नहीं बनाता हूँ, ठीक है? तो इसको अगर आप देखोगे ना, ये आर्बिट, ये बेसिकली बटरफ्लाई टाइप का है, पर इसमें रिस्क ऊपर के साइड का एकदम कम है, क्योंकि रिलायंस में मूवमेंट बहुत फास्ट आता है। अगर आप देखो, कुछ अच्छा न्यूज़ आ गया या कुछ हो गया, तो फटक करके ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रैली दिया है, तो कहीं ना कहीं राइटर के हिसाब से रिलायंस इतना ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर कहीं ना कहीं अगर मार्केट वॉलेटाइल होता है तो गिर भी सकता है, रिस्क तो उसमें डिफाइंड होता है, राइट? तो मैंने क्या किया है कि 2200 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया है ये महीने का, 2300 के 3 मैंने शॉर्ट किए हैं, ओके, और 2340 के मैंने 2 बाई किए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसकी ब्रेक इवन 2220 के करीबन है और 2340 के करीबन है। तो इसके अगर अंदर बंद हो जाता है तो आप प्रॉफिट में निकलोगे। अगर इसके ऊपर चला जाता है, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर इसके ऊपर कितना भी जाने दो आपको लॉस नहीं है, ओके? तो इसमें लॉस हार्डली क्या, 300-400 रुपये का ऊपर के साइड में है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अगर देखो, अगर गलती से इसके अंदर बंद होगा और टाइम ड्यूरेशन जैसे कम है, आपके पास सिर्फ अब 10-11 दिन है, ठीक है, और 150 पॉइंट मैंने रैली रखी है इसमें, तो आपको अगर ये 2300 के करीबन आके बंद होता है तो 19,000 तक प्रॉफिट आ सकता है। और अगर इसके अंदर भी बंद हो जाता है गाइज, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। अगर आपको पैसा मिलता है आप लेके निकलिए, ज़रूरी नहीं आपको 1900 1900 के लिए ही रुकना है, राइट? तो यहाँ पे आप ये ट्रैक करोगे ना, तो इसमें रिस्क कम है, इसमें आप अपना रिस्क डिफाइन करके काम कर रहे हो, ओके? अगर आप नीचे का ट्रेंड देखोगे ना, नीचे के ट्रेंड में ज़रूरी नहीं, जब तक आप एक्सपायरी तक रुकते हो ना, तभी आपको ये 5,000 का लॉस देगा। पर अगर ये आपको, आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, 2140 आया और आप वो धीरे धीरे, आपके पास टाइम वैल्यू है तो आपको 2,000 का ही लॉस दिया है, और टाइम वैल्यू काफ़ी कम है, तो वो टाइम पे आप निकल सकते हो इसमें से प्रॉफिट लेके, ओके? तो मेरा एक ही इंटेंशन है गाइस, आप एग्रेसिव ट्रेडिंग इसमें मत करिए। जो भी मैं बताता हूँ उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करिए, और आप इंश्योर करो कि जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो वहाँ पे आप प्रॉफिट लो, ठीक है? आप एग्रेसिव ट्रेडिंग करने जाओगे तो आप पैसा गवाओगे। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, इससे अच्छा प्रॉपरली हेजिंग करके काम करें,